मर्सिडीज़ बेंज इंडिया ने भारत में बनी 2021 एस क्लास लॉन्च कर दिया, जिसके S350 डी फोरमैटिक डीजल वेरिएंट की कीमत 1,57,00,000 रुपए है, जो S450 फोरमैटिक पेट्रोल के लिए 1,62,00,000 रुपए तक जाती है। पहले इस कार को भारत में पूरी तरह आयात किया जा रहा था, जिसकी शुरुआती कीमत 2,17,00,000 रुपए थी, और अब भारत में उत्पादन के बाद इसकी कीमत में करीब 60,40,000 रुपए की कमी आई है। जहां कार का आयात होने वाला मॉडल सिर्फ AMG लाइन में उपलब्ध था, वहीं घरेलू उत्पादन वाली एस क्लास को स्टैंडर्ड लग्जरी वेरिएंट में भी लॉन्च किया गया है। कार के साथ 3 लीटर के पेट्रोल और डीजल इंजन दिए गए हैं, जो 9-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आए हैं। TVS मोटर कंपनी ने अपने 125 सीसी स्कूटर लाइनअप में विस्तार करते हुए नई जुपिटर 125 भारत में लॉन्च कर दी है, जिसकी दिल्ली में शुरुआती एक शोरूम कीमत 73,400 रुपये रखी गई है। ये कीमत डिस्क ब्रेक वेरिएंट के लिए 81,300 रुपये तक जाती है। नई TVS जुपिटर 125 बहुमुखी स्कूटर है, जिसे हमारे बाजार के हिसाब से तैयार किया गया है। इसके साथ जुपिटर 110 जितना ही व्हील बेस मिला है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई ज़्यादा है। इसके साथ फ्रंट फ्यूल फिलर लिड, फ्लो बोर्ड के नीचे लगा पेट्रोल टैंक, जुपिटर 110 से 65 मिलीमीटर लंबी सीट और चौड़े फ्लोर बोर्ड जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नई जुपिटर को 124.8 सीसी का सिंगल सिलेंडर इंजन मिला है, जो 8.18 bhp और 10.5 पीक टॉर्क बनाता है। स्कूटर का मुकाबला सुजुकी एक्सेस 125, हीरो डेस्टिनी 125, होंडा एक्टिवा 125 जैसे स्कूटर से होगा। महिंद्रा ने आज बिल्कुल नई XUV 700 के लिए बुकिंग शुरू कर दी है, और सिर्फ 57 मिनट में ही SUV के लिए कंपनी ने 25,000 बुकिंग हासिल कर ली हैं। कंपनी ने पहले ही बताया था कि नई SUV को इंट्रोडक्टरी कीमत पहली 25,000 बुकिंग तक ही दी जाएंगी, और इसकी शुरुआती कीमत 50,000 रुपये बढ़कर 12,49,000 रुपये हो चुकी है। AX7 लग्जरी डीजल ऑल व्हील ड्राइव के लिए कीमत 22,89,000 रुपये तक जाती है। महिंद्रा ने XUV 700 पेट्रोल और डीजल वेरिएंट्स में पेश की है, जो मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आते हैं। कंपनी जल्द ही कार की डिलीवरी की जानकारी उपलब्ध कराएगी। टोयोटा ने बाजार में फॉर्च्यूनर लेजेंडर का नया 4x4 वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी एक शोरूम कीमत 42,33,000 रुपये रखी गई है। जानकारी के लिए बता दें कि लेजेंडर 4x2 वेरिएंट की कीमत 37,58,000 रुपये है, और 4x4 की कीमत इससे करीब 5,00,000 रुपये ज़्यादा है। एजेंडा के 4x2 डीजल वेरिएंट को पहली बार टोयोटा फॉर्च्यूनर के साथ जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। कंपनी का कहना है कि लॉन्च से अब तक कार की 2700 यूनिट बिक चुकी हैं। लेजेंडा वेरिएंट को पैनी ग्रिल और बम्पर के साथ पियानो ब्लैक एक्सेंट, 18 इंच मशीन कट अलॉय व्हील्स, सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर और ऐसे कई फीचर्स दिए गए हैं। SUV के साथ 2.8 लीटर का डीजल इंजन लगा है, जो 201 bhp और 500 nm पीक टॉर्क बनाता है। इसके साथ 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दिया गया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।